अस्सलाम वालेकुम नौजवान, खुश आमदीद। मैं मर गया हूं। इत्तेफाक से तुम्हें जिंदगी मिली है। वो हमें देख सकता है? नहीं हाजी, अब नहीं देख सकता। जाना। आराम से रहो। शायद तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। अलबत्ता तुम्हारे लिए बेहतर ही है। क्या हुआ था? 2-3 दिन बेहोश थे। नहीं जानते कि तुम्हारी मां क्या झेली है। उन्हें यहां आने दें। ये सिर्फ तुम्हारे सादिक मामू की वजह से। बोलो मेरे बेटे, बोलो। कहो कि सादिक से मिलना चाहते हो। ये डॉक्टर साहब सादिक के दोस्त हैं। सिर्फ 1 मिनट। आप कौन हैं? अपनी मां को नहीं पहचानते? क्या हुआ? मैं यहां क्यों हूं? मैंने पूछा मैं यहां क्यों हूं? आराम से बेटा, आराम से। तुमको हिलना नहीं चाहिए। परेशान ना हो, तुम एक बड़ी मुसीबत से बच कर आए हो। बहुत बड़ी मुसीबत। तकरीबन 2 दिन कोमा में थे, इसीलिए अगर तुम्हें कुछ याद न हो तो एक नॉर्मल बात है। आप बाहर तशरीफ रखिए, तशरीफ ले जाइए। वो भी जान चलिए। चल इसे क्या हुआ है? देख तो रहे भाजी, उसे कुछ याद नहीं है। क्या मतलब? क्या मेरी बातें भी इसे याद नहीं है? यह मौका भी हाथ से निकल गया? नहीं पता, नहीं पता क्या पेश आने वाला है। हाँ, मेरे खुदा, तेरे इंसाफ का शुक्र, तेरे कर्म का शुक्र, यह दरवाजा भी मुझ पर बंद कर दिया। तुम फिर बंदगी का सलीका भूल रहे हो और अपना लजाम शैतान के हाथ में दे रहे हो। शायद तुम भूल रहे हो कि कुछ ही देर पहले खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ा रहे थे कि तुम्हारा मौका लेकर तुम्हारे नवासे को दे दे, वो भी जिंदा है। तुम फिर भी ना शुक्री कर रहे हो। अब जब यहां तक बात आई तो गुनाहगार इंसान मुस्तजाबुद दावा हो गया और आमीन कहने वाला परिंदा हाजिर। आमीन कहने वाला परिंदा हमेशा हाजिर रहता है, जैसे खुदा की रहमत और मगफिरत हमेशा हाजिर रहती है। अगर खुदा की रहमत और बख्शिश ना होती तो मैं फरिश्ता इस वक्त यहां ना होता कि तुम्हारे साथ रहूं और तुम्हारी मदद करता रहूं। मैं भी तो यही कह रहा हूं भाई, जब खुदा की रहमत इतनी वसी है तो फिर क्यों कायदे से मेरे शामले हाल नहीं हो रही? क्यों मेरी दुआ मुस्तजाब नहीं हो रही कि मुझे माफ कर दे और जन्नत में डाल दे? इसलिए कि हक़ उन्नास तुम्हारी गर्दन पे है। खुदा की रहमत यूं तुम्हारे शामले हाल हुई है कि तुम्हें एक मौका मिला है कि अपनी बात किसी से कह सको और शरीफा से रजातमंदी हासिल कर सको। मेरे खुदा, ये क्या हो गया है? ये मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ है? अगर यूं ही रहा तो, अरे हाय। सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। आप तब तक यहीं पर हैं? उसे कब होश आया? तुमने कहा था होश आ गया ना? हाँ, लेकिन लेकिन क्या? ऐसे होश का क्या फायदा? मेरा बच्चा हाथों से निकला जा रहा है। ये क्या कह रही है? हम लोगों को नहीं पहचाना। क्या मतलब है कि नहीं पहचाना? डॉक्टर, डॉक्टर, खुदा के वास्ते कुछ कहिए, मेरे बच्चे को क्या हुआ? क्या कह रहे हैं डॉक्टर? क्या हो रहा है मेरे बेटे? परेशान ना हो, परेशान ना हो, हमारे साथ चलिए, हमारे साथ चलिए। क्या हुआ है डॉक्टर? आपके बेटे को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तसव्वुर से बहुत पहले होश आ गया, ये बहुत अच्छी खबर है। तो फिर उसको क्या हुआ है कि अपनी माँ को भी नहीं पहचानता? अभी यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। मुमकिन है उन दवाओं का असर उसके दिमाग पर हुआ हो, जिसकी वजह से कुछ चीजें भूल गया हो। यानी हो सकता है उसे कुछ भी याद ना हो। खुदा मुझे मौत दे दे। मैंने अर्ज किया हो सकता है ऐसा हुआ हो,
ये भी हो सकता है कि फरामोशी कोई खास वाकये का रिएक्शन हो जिसे वो खुद याद नहीं रखना चाहता। डॉक्टर साहब, क्या ये मुमकिन है कि उसने कोई ऐसा कोई गलत काम कर लिया हो? आपने तो जवानों को देखा ही है, मतलब कुछ उसने ऐसा काम किया हो जिसको वो जानबूझकर जहन में न लाना चाहता? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं, मैंने सिर्फ एक एहतमाल पेश किया। वो भी हो सकता है कि अमदी ना हो, या तो जहनी तौर पर एक रिफ्लेक्शन हो जो किसी धचके की वजह से या किसी चोट की वजह से हो गया हो। मैं ताकीद कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक एहतमाल और फर्जिया है। यानी दोबारा उसकी याददाश्त वापस आएगी ना? इस पर मुनहसर है कि उसकी वजह क्या रही हो, थोड़ा टाइम लग सकता है। अलबत्त मुझे ये भी कहने दीजिए, हमें फिर से टेस्ट करने पड़ेंगे ताकि यकीन हो जाए कि दिमागी चोट नहीं आई है। अम्मी जान, आपकी कसम, अभी मेहताब ने मुझे इसकी इत्तला दी है। खुसरो बेटा, अभी मुझे अस्पताल आके ले चल, मैं उसे देखना चाहती हूँ। अब तो काफी देर हो चुकी है, खुद मेहताब भी लौट रही है। मैंने सोचा ये अच्छी खबर आपको दे दूं कि परेशान ना हो। इंशाल्लाह कल मैं आता हूँ, फिर साथ में चलेंगे। इंशाल्लाह हमेशा अच्छी खबर दिया करो, मेहताज को दुआ कहना। खुदा हाफिज। शुक्र है महबूद, मेरे खुदा, किसी को अपनी बारगाह से नाउमीद न लौटाना। सोच लिया है ना अम्मी जान? ये वो अहद है जो मैंने अपने खुदा से किया है कि अगर सासान ठीक हो जाए, उस घर के लड़के को भी हाजी के कल्ब के साथ एक नई जिंदगी मिल जाए। लेकिन अम्मी जान। नहीं नहीं खुसरो, कुछ नहीं कहो, मुझे खौफ है कि मैं अपना वादा भूल ना जाऊं। देखिए अम्मी, अगर आप फैसला कर चुकी हैं तो मैं भी कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सासान, मैंने कल उन्हें फोन किया था, देर तक घंटी बजी लेकिन जवाब नहीं मिला। मैं ही ये खबर उसकी माँ को देना चाहती हूँ। अम्मी थोड़ा इंतजार नहीं करेंगी? देखिए अभी सासान, देखो मुझे उस हॉस्पिटल में ले चलो जहाँ वो नौजवान एडमिट है, मैं उसे देखना चाहती हूँ, मुझे उससे एक वादा लेना है। देखिए अम्मी जान, मेरी अम्मी, अगर आप फैसला कर चुकी हों तो फिर मुझे भी कुछ कहना नहीं है, लेकिन अगर सासान की सलामती के लिए मन्नत मान चुकी हैं तो हकीकत यह है कि अभी वो ठीक नहीं हुआ है। तुम तो कह रहे थे होश में आ गया। जी, रात होश आया लेकिन किसी को पहचान नहीं पा रहा है। मुझे उठा ले। खुदा ना खास्ता, वो कह रहे थे कि शायद उसे दिमागी चोट आई हो। सीमा भी थी।
अम्मी जान, अम्मी जान। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी जान देखा आपने कैसी मुसीबत मेरे सर में लगी। नहीं सीमा, ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? देखा अम्मी जान, मेरा बच्चा क्या हुआ? उसके लिए दुआ कीजिए, आप तो मेरी हालत समझ सकती है ना अम्मी जान। मेरा बेटा क्यों रो रही हो तुम इस तरह? नहीं रो बेटा, मेरा बेटा कहाँ है? उसे MRI के लिए ले गए। उसके लिए दुआ कीजिए अम्मी। सलाम अलैकुम सर। मस्सा। अलैकुम सलाम बहराम मियां। मैंने अभी सुना है क्या हुआ है। सासान के मोबाइल पर फ़ोन किया तो बंद मिला, तो मैंने आपके घर फ़ोन किया तो आपकी बेटी ने कहा कि अभी कैसा है, बेहतर है? ठीक नहीं है, अब होश में आ गया है लेकिन फिर भी ठीक नहीं है। ये लीजिए, बज़ाहिर कुछ भी नहीं। वालेकुम। डॉक्टर क्या हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह सीटी स्कैन की रिपोर्ट अच्छी है। खुदा का शुक्र। हफिजा तो ठीक है ना, उसे कुछ याद आया? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता जो इत्मीनान बख्श हो। कुछ पुरानी बातें तो उसे याद आई हैं, लेकिन बस यही शुक्र है कि कोई दिमागी चोट नहीं है। इंशाल्लाह हफ्जा बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। उससे मिल सकते हैं? अभी नहीं, आराम का इंजेक्शन दिया है, एहतियात करना ज़्यादा बेहतर है। बाद में मिल सकते हैं आप, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर उसे मदद करना चाहते हैं तो किसी भी हालत में उसे ज़हनी तनाव या स्ट्रेस नहीं दे। ये कमबख्त जिसके यहाँ रात में गया था, उसका कोई एड्रेस है? आरश का? उसका एड्रेस है? इसका एड्रेस तो मैं इस कमबख्त की खाल खिंचवा लेता हूँ। इतनी जल्दी ना करें, एड्रेस तो नहीं है। उसके घर फ़ोन किया था, उठाया नहीं। एक कॉफ़ी शॉप है जहाँ में वो काम करता है, वही इधर कहीं। उसी कॉफ़ी शॉप का, वहीं का एड्रेस दो, मुझे मालूम है कैसे निपटना उसे। डॉक्टर, डॉक्टर साहब। जी फरमाइए। माफ़ कीजिए डॉक्टर साहब, आपने फरमाया था कि ये भूलने का सबब ये भी हो सकता है कि वो कुछ चीज़ें जो गलत हैं याद ना करना चाहता। जी हाँ, लेकिन उसके इख्तियार में नहीं है। मेरा मतलब ये है कि ठीक होने के बाद जब हाफिज़ा वापस आ जाएगा तो हो सकता है कि जो चीज़ें उसे नापसंद हो, जिसे नाराज़ हो, दोबारा उन्हें जहन में ना। माफ़ कीजिएगा, मैं समझा नहीं, आप ये किस लिए पूछ रहे हैं? असल में आपसे क्या छिपाना डॉक्टर साहब, असल में ये हादसा पेश आने से पहले, यानी हाफिज़ा इसका जाने से पहले हमारा आपस में झगड़ा हुआ था, मैंने उसको एक तमाचा रसीद कर दिया था। अब ये क्या हो सकता है कि अब जब दोबारा हाफिज़ा इसका वापस आ जाए तो ये इस वाक़े को क्या भूल जाए वो, ये हो सकता है। मैं क्या अर्ज करूँ, ये जो आप फरमा रहे हैं मेरे ख्याल में बईद है, माफ़ कीजिएगा। कोई बात नहीं। अम्मी जान, आप करना क्या चाहती हैं? पता नहीं, पता नहीं। वाकई मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। सासान बेटा, सासान बेटा, बेटा किसी चीज़ की ज़रूरत है तुम्हें?
सासान। सासान, सासान बेटा मुझे देखो, खुदा के वास्ते कुछ तो करो, मेरी बातें याद करो, तुम बहुत मेरी मदद कर सकते हो। सासान, कोई फायदा नहीं है जी, अब वो नहीं सुन सकता है। इसे सुनना पड़ेगा, इसे याद करना पड़ेगा। वो जिंदों की दुनिया में जा चुका है, तुम जिंदा लोग से रابطہ नहीं कर सकते हो। मुझे करना है, मुझे जिंदों से रابطہ बरकरार करना है, वरना मुर्दे तो मेरी तरह कुछ नहीं कर सकते। ये बताओ, क्या तुम कुछ कर सकते हो कि मैं थोड़ी देर किसी से बात कर सकूं? नहीं हाजी, मुझे कोई रास्ता, यानी रूहों को हाजिर करने की बात झूठ है? मैं हजारों लोगों को जानता हूँ जो मुर्दों की रूह को हाजिर करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे गाइड लेते हैं। झूठ है आजी, सब बकवास है। वो जहनों को कब्जे में करके जादू दिखाते हैं और ये समझाते हैं कि रूह को हाजिर किया हुआ है। तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए? ये तो बोल सकता नहीं, मेरा वक्त भी खत्म हुआ जाता है भाई। मैं उन्हें सिर्फ कागजात की जगह बताना चाहता हूँ बस, वरना सरमस मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा, सब अपने कब्जे में ले लेगा। अरवाह से राबता खुदा के इरादे से हो सकता है। ठीक है, हो सकता है ना, लेकिन अगर हो भी जाए तो बहुत कम और इतना सख्त है कि उसके खास शरायत आजकल की बहुत सी वाहियात बातें और खुराफाती अमल उनका मुकाबला नहीं कर सकते। असलन वो शरायत इलाही और मानवी है। फिर मैंने तुमसे कुछ कहा और तुमने हजारों शर्तें खड़ी कर दी। अच्छा फरमाइए, बताइए, देखिए क्या शर्तें हैं। जहाँ तक मेरे इल्म में है, खुलूस नीयत, खुदा पर ईमान, दोनों तरफ़ैन का तैयब ताहिर होना पहली शर्त है कि अगर ये शरायत पूरी हो जाए और खुदा का इरादा भी शामिल हाल हो जाए तो ये राबता बरकरार किया जा सकता है। साफ कहो, नहीं हो सकता, क्योंकि जैसा कि आपने फरमाया, हम तो पहली ही शर्त में नहीं आते, दूसरी बातें तो छोड़े। फत्ता, क्या तुम्हें नहीं पता कि खुदा की रहमत से मायूसी गुनाह है कबीरा? हाँ, तो क्या खुदावंदे आलम, मैं ये बात तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, इस्तिजाबत की पहली शर्त खुलूस नीयत से दुआ करना और मुकम्मल ईमान है। तुम भी खुलूस से दुआ मांगो, शायद उसकी रहमत तुम्हारे शामिल हाल हो, शायद तुम्हें मौका दिया जाए और अपने किसी करीबी रिश्तेदार से राबता कर सको। अलबत्ता याद रहे, जिससे तुम राबता करना चाहते हो तो उससे रूही लिहाज से करीब होना जरूरी है। आफाक, يا لطيف ارحم عبدك الضعيف، میرے خدا تو تو جانتا ہے کہ میں دل سے شریفہ کے حق میں ہوئی ناانصافی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن سب دروازے مجھ پر بند ہو چکے ہیں۔ اگر یہ موقع بھی میں نے گنوا دیا تو اس عورت کے تمام حقوق پامال ہو جائیں گے۔ اے میرے خدا، तो ही अपनी रहमत का दरवाजा मुझ पर खोल दे। रब्बे अग़फ़िर वरहम वअंता खैरुर राहिमीन। खुदा मुझ पर रहमत कर, मुझे माफ कर दे, तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है। फत्ता, तुम यहीं पर हो ना, मुझे मालूम है तुम यही हो। आफाक, तुम मुझे देख रही हो? देख रही हूँ मैं। मेरी जान की कसम, मुझे देख रही हो? जिधर देख रही हो तुम ही हो, लेकिन मुझे डर है कि अगर बच्चों से कहा तो वो मुझे पागल कहने लगेंगे, वो यकीन नहीं करेंगे। मैंने एक नस्र मानी है, तुम भी उस पर राजी रहो।
किसी तरह से भी कहो कि राजी हो। अपनी कसम, तुम्हारी कसम, मैं राजी हूँ। एक मिनट मेरी बात सुनो, मैंने एक चीज तुमसे छुपाई है जो सादिक तक पहुंचानी है। यहाँ बिल्कुल यहीं, यहीं जानमाज के नीचे, समझ गई? कालीन हटाना पड़ेगा। अरे आफाक, ये मुझे नहीं देख रही थी, मुझसे बात नहीं कर रही थी। सादिक, सादिक के पास जाना पड़ेगा। सासान, मेरे बेटे सासान, सासान, सादिक, नमाज का कमरा। क्या हुआ सासान? यहाँ कहाँ है? मैं कहाँ हूँ? हम यहाँ क्यों हैं? अपनी माँ को पहचान गए बेटे? मतलब क्या है? मुझे क्या हुआ अम्मी? मेरा हाथ ही टूटा हुआ है। परेशान ना हो बेटा, कुछ नहीं हुआ है। तुम फिसल गए थे, सीढ़ियों से गिरे हो, अभी हॉस्पिटल में हो। नाना जान कहाँ हैं? कहाँ गए? मैंने अभी देखा उन्हें, कहाँ गए? शायद ख्वाब में देखा होगा। नहीं, ख्वाब में नहीं, उन्हीं को देखा है। परेशान ना हो बेटा। क्यों यकीन नहीं कर रही है? मैंने कहा देखा है। तुम अपना हाफिजा खो चुके थे। मुझसे कुछ कह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे। तुम अपने आप को परेशान नहीं करो। सादिक मामू की बात कर रहे थे। या इमाम रेसा। सादिक, सादिक मामू। सिस्टर, सिस्टर। واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليك يا النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله اكبر الله اكبر الله اكبر सादिक, उनकी नमाज में खलल इजाद ना करो। मरहूमीन के लिए नमाज पढ़ रहे हैं। रब्बा नग़फिर ली वले वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यकूमुल हिसाब। सादिक, मुझे देख सकते हो? खुदा के वास्ते अपनी आंखें खोलो, मैं हूं फत्ताह।
तुम्हारी रूह खुश रहे हाजी, तुम्हारी रूह खुश। सादिक, खुदा के वास्ते तुम्हें उस नमक रोटी का वास्ता जो साथ में खाया है। सादिक, मेरी उम्मीद भी तुमसे है। खुदाया, बारे इलाहा, तेरे जाहो जलाल की कसम, ये मौका मुझसे ना ले। मेरे खुदा, तेरे अंबिया औलिया का वास्ता, मुझे अपने दरबार से ना उम्मीद ना लौटा। मेरे खुदा, अगर तू मुझे पनाह नहीं देगा तो मैं किसके दर पर जाऊंगा। सादिक, परेशान ना हो, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। देखो, मैं तुमसे बहुत अहम बात कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ सादिक, मेरी बात गौर से सुनो। सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो। मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मेरी बात सुनो। मुझे बात तो करने दो। क्या मतलब फायदा नहीं है? उसे मुझे देखा है, मुझसे बात की है। इस वक्त अपनी बात कहने का बेहतरीन मौका है। ताकत नहीं है, नहीं कर सकते। एक नजर उस पर डालो। ये लो, ये लो। परेशान ना हो, या फातिमा ज़हरा मेरी मदद कीजिए। आराम से सांस लो। आराम आराम से मेरे मौला। हेलो। जी जानता हूँ, ठीक है ठीक है, मैं अभी आता हूँ, बस अभी निकल रहा हूँ। आप परेशान ना हो, जल्दी पहुंच रहा हूं मैं। खुदा हाफिज। कौन था फिर हॉस्पिटल से? क्या? नहीं, सादिक की बीवी थी। हाँ, शायद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उन्हें देखना जरूरी है। इस वक्त क्या हुआ है? नहीं मालूम, वो भी इतनी डरी हुई थी कि उनको अपनी बात भी समझ में नहीं आ रही थी।